दोस्तों क्या आपके जीबी बरसे में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मान लो आपको कोई जीबी बरसे पर जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है, जैसे ही आप उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो है वो प्ले करते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो फुल ब्लैक हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। या जैसे ही आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो है वो प्ले करना चाहते हो तो आपका ऑडियो जो है वो प्ले ही नहीं हो रहा। अगर आपके जीबी बरसे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपके मोबाइल की जो है वो ऑडियो प्ले करने पर स्क्रीन ब्लैक क्यों होती है। अगर आपका ऑडियो जो है वो प्ले ही नहीं होता तो आप इस प्रॉब्लम को जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने जीबी बरसे में जो है वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपनी फोन की सेटिंग में चले जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने जो है वो जैसे कि मेरा वीवो का फोन है तो अलग अलग फोन में अलग अलग सेटिंग हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो मोर सेटिंग पर ओपन करूँगा। मोर सेटिंग पर ओपन करने के बाद में मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपके मोबाइल में ऐप्स का ऑप्शन भी हो सकता है, आपने ऐप्स वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में जो है वो ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। ऑल पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है वो जितने ही मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन होगी ये सारी जो है वो मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद में आपने करना है क्या है, आपने यहाँ पर जो है वो जीबी व्हाट्सएप को जो है वो ढूंढ लेने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी जो है वो नॉर्मल व्हाट्सएप है, पर आपने भी जो है वो जीबी व्हाट्सएप को सेम ही प्रोसेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नॉर्मल व्हाट्सएप में करूँगा वैसे आपने जो है वो जीबी व्हाट्सएप में सेम प्रोसेस करना है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आपने जीबी व्हाट्सएप को जो है वो ढूंढ लेना है, उसके बाद में वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने जो है यहाँ पर परमिशन वाले ऑप्शन में जो है वो जाकर चेक करना है कि यहाँ पर जो है वो आपकी सारी परमिशन जो है वो ऑन है। अगर आपकी सारी परमिशन जो है वो ऑन है तब तो ठीक है, अगर कोई भी ऑफ हुई तो आपने उसे ऑन कर लेना है। अब बात आती है कि जैसे ही आप अपने जीबी बरसे में ऑडियो को प्ले करते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ब्लैक क्यों हो जाती है। अगर तो आपका ऑडियो प्ले ही नहीं हो रहा तब तो वहाँ पर जो है वो आपने अगर सारी सेटिंग ऑन की होगी तब आपका ऑडियो जो है वो प्ले हो जाएगा, उसके बारे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके जीबी बरसे में जो है वो ऑडियो प्ले करने पर जो है वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, इसका मतलब दोस्तों आपके मोबाइल में जो है जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, वो जो है वो ख़राब हो गया है, इसलिए आपके मोबाइल में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने करना क्या है, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आपने किसी भी मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाना है, तो आपने उन्हें बोलना है कि इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो वर्क नहीं कर रहा, आप इसे ठीक कर दें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।